जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूंगफली और तिल की मावा मिठाई लेकर आई हूँ। एकदम आसान रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं बिना रोस्ट किए हुए, और ये 250 ग्राम ही मूंगफली ली है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल ली है। अब हम पहले तिल को रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखें और लगातार चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट करें। तिल बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए गैस की फ्लेम स्लो ही रखें। यदि तिल जल गए तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है, ये बात ध्यान रखें। तड़तड़ की आवाज़ आने लगेगी, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए, तिल का कलर भी हल्का ब्राउन हो गया है। अब तुरंत एक प्लेट में निकाल लेंगे, गर्म कढ़ाई में नहीं रखेंगे वरना तिल ज़्यादा भुना जाएंगे। और फिर उसी कढ़ाई में मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसका कच्चा फ्लेवर पूरा ख़त्म हो जाए तब तक भून लेंगे। ये देखिए, मूंगफली के छिलके निकलने लग गए हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। कपड़े में डालकर थोड़ा सा रब कर ले तो फटाफट ठंडे भी होंगे और छिलके भी निकलते जाएंगे। जितने छिलके इजीली निकलेंगे उतने निकाल लेंगे, और जो नहीं निकलेंगे उसे रहने देंगे। क्लीन करने के बाद मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड पर ही ग्राइंड करें, मिक्सर को रोकें और फिर चलाएं। एकदम फाइन पाउडर हमें नहीं चाहिए, हल्का दरदरा रखेंगे। कुछ कुछ मूंगफली के दाने रह गए होंगे तो चलेगा, मिठाई में दानों का टेस्ट बढ़िया लगेगा, इसलिए फाइन पाउडर ना बनाएं। अब इसी जार में हम तिल को भी ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे तिल पूरे ठंडे हो जाने चाहिए वरना इसका ऑयल निकल आएगा। ग्राइंड करने से पहले 4 से 5 चम्मच निकाल लेंगे और अलग रख लेंगे। तिल को भी लगातार ग्राइंड ना करें, इसे भी हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है। मिक्सर को मैंने बस 3 बार रोका तो ये परफेक्ट हो गया। अब ये देखिए, मैंने 500 ग्राम फ्रेश मावा लिया है। इसे हाथ से थोड़ा सा क्रम्बल कर लेंगे। यदि आपका मावा फ्रेश होगा तो इजीली हाथों से ही हो जाएगा, आपको ग्रेटर से ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मावे को अब हम कढ़ाई में डालेंगे और मेल्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और लगातार चलाएंगे। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम स्लो ही रखना है वरना मावा मेल्ट नहीं होगा तो वो चिपक जाएगा। फ्रेश मावा फटाफट मेल्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 500 ग्राम ही मावा लें, यदि कम डालना चाहो तो 300 ग्राम भी मावा ले सकते हो। कम मावे के साथ भी ये मिठाई बहुत बढ़िया लगती है। अब देखिए, मावा लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और पहले इसमें गुड़ को मिक्स कर लेंगे। 500 ग्राम गुड़ को मैंने बारीक काट लिया था। तिल हमारे 250 ग्राम थे और मूंगफली भी 250 ग्राम थी, तो गुड़ हमें 500 ग्राम लेना है और बारीक काट कर ही लेना है। और देसी गुड़ बढ़िया वाला अच्छा ही ले, गुड़ में कचरा नहीं होना चाहिए। मावा अभी गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है तो गुड़ मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद गैस ऑन करेंगे। गुड़ को मिक्स करने के बाद अब ग्राइंड किए हुए तिल को डाल देंगे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, आप वापस से गैस ऑन नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर मुझे थोड़े से गुड़ के डल्ले अभी दिख रहे हैं, छोटे छोटे से, इसलिए पहले तिल और मूंगफली को डालने के बाद गैस ऑन करेंगे। और ये मूंगफली का पाउडर भी डाल दिया। अब गैस ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे। धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे सबको अच्छे से। मावा बहुत जल्दी चिपकता है इसलिए गैस की फ्लेम स्लो ही रखें। हमें बस अब गुड़ को पूरा मेल्ट करना है और सबको मिलाना है, फिर गैस ऑफ कर देंगे। आप यहाँ पर गुड़ कैसा यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से मावा डालें। कोई कोई गुड़ बहुत लूज़ होता है और कोई कोई कड़क होता है। आप यदि लूज़ वाला गुड़ यूज़ करोगे तो मावा कम लगेगा। अब गुड़ के एक भी डल्ले नहीं दिख रहे हैं। अब हम इसमें 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। आप यदि यहाँ पर ये खोपरे का बूरा ज़्यादा डालना चाहो तो 1 कप डाल सकते हो। वैसे भी हमने गुड़ ज़्यादा ही डाला है, मूंगफली तिल और गुड़ का रेशो इक्वल रखा है, तो मिठाई की स्वीटनेस कम नहीं होगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर गैस ऑफ कर देंगे। अब मैंने इसे गैस से नीचे उतार लिया है और पहले पूरा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही मिठाई का शेप देंगे। 3 से 4 घंटे हो गए हैं, ये देखिए अब ये पूरा ठंडा हो गया है, जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। आप यदि ये मिठाई गर्मी में बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ठंडा होने में। उस कंडीशन में मावा केवल 250 ग्राम ही डालें। अभी ठंड है तो जल्दी से जमने लगा है। या तो फिर आप इस पूरे मिक्स को फ्रीज में रख दें 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद मिठाई का शेप दे, पर मैंने इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। अब देखिए, इजीली मिठाई रेडी हो रही है। मैंने हाथों में घी ऑयल कुछ भी नहीं लगाया है फिर भी। तो ये टोटल हमारे मीडियम साइज़ के 45 लड्डू रेडी हुए हैं। अब ऊपर से जो हमने तिल बचा लिए थे उसे गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हो। इस तरह से वापस से एक बार घुमा लेंगे तो तिल अच्छे से चिपक जाएंगे। आप ऊपर से 1/2 मूंगफली के दाने लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। तो ये हमारी ठंड की स्पेशल मिठाई रेडी है।
आप इसे बच्चों को खिलाएं और सेहत बनाएं। इस मिठाई को गुड़ के साथ ही बनाएं, चीनी के साथ ना बनाएं। और हाँ, तिल को भूनते समय मोटे तले का बर्तन ही यूज करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।